हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो, फेसबुक पे वीडियो बनाते हो, चाहे आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो या लॉन्ग वीडियो बनाते हो, तो आप एक मस्त ऐप मतलब वीडियो एडिट करने के लिए आप सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं। तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को कुछ 3-4 ऐप मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो मतलब नेक्स्ट लेवल का आपको एडिटिंग करके देने वाला है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि शॉर्ट वीडियो के लिए अलग ऐप मैं आप लोग को बताऊंगा और लॉन्ग वीडियो के लिए अलग ऐप। और उसके बाद आप कमेंट करते हैं कि भाई मुझे ये ऐप पे ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, मुझे इस ऐप से एडिटिंग करना है वीडियो तो मुझे नहीं आता है तो कैसे करूं, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कोई उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपको लॉन्ग वीडियो एडिट करना है यूट्यूब के लिए, चाहे वो ब्लॉग्स हो जाए, चाहे वो एजुकेशन वीडियो हो जाए, चाहे वो कॉमेडी वीडियो ही हो जाए, तो लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर दो ऐप रिकमेंड करूंगा। जो हमारा पहला नंबर पे आता है, जिसे मैं डेली यूज करता हूँ, हरदम यूज करता हूँ, वह है हमारा सबसे बड़ा ऐप काइंड मास्टर। मैं आप लोग को बता दूं कि आपका वीडियो चाहे जितना हाई क्वालिटी में हो, काइंड मास्टर जो ऐप है वो आपका वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता है और बहुत आसानी से स्मूथ तरीका से आप उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरा वीडियो 2K 4K में है, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐप की सहारा लेना पड़ेगा, उसका नाम है VN। भाई VN जो मतलब लेटेस्ट वर्जन है, VN इतना मस्त ऐप चल रहा है ना, मैं VN से भी यूज करता हूँ अपना वीडियो, तो भाई VN ऐप बहुत मस्त है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि VN से आप शॉर्ट वीडियो एडिट करें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो या रील्स को एडिट करने के लिए मैं आप लोग को एक ही ऐप बताने वाला हूँ जो सबसे बेजोड़ ऐप है। आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे तो ये ऐप पता ही था। और मैं आप लोग को बता दूँ कि आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैं एक ऐप मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, वह है CapCut। बहुत सारे बंदे लोग को तो CapCut डाउनलोड करने ही नहीं आता, तो भाई कमेंट करो, मैं आप लोग को बता दूंगा, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये YouTube गाइडलाइन पॉलिसी के खिलाफ है, ये थोड़ा सा बाहर एरिया का ऐप है ना, चाइना उना का इधर का ऐप है, ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, इंडिया में बैन है। तो उसका मैं आप कमेंट करता तो मैं आप लोग को टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं से आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि एक जो ऐप है YouTube से जुड़ा हुआ है, YouTube क्रिएट करके एक नया ऐप 2022 में लॉन्च हुआ था। ये भी ऐप मतलब लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो एडिट करने के लिए बेस्ड है, बट मैं ये यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो एडिट करने के लिए अथवा लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए मैं CapCut का यूज करता हूँ, फिर VN का यूज करता हूँ और फिर से काइंड मास्टर का मैं कटिंग करने के लिए ऐप को यूज करता हूँ। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूंगा कि आप 1000 ऐप का नाम जान जाओगे, 1000 ऐप आपके पास रहेगा, 1000 ऐप से आप एडिट नहीं करोगे, मैं जानता हूँ। तो मैं आप लोग को 4 ही ऐप रिकमेंड करूंगा जो मैं यूज किया हूँ और मुझे यूज करने में कोई परेशानी नहीं होता, इसका कोई भी प्रो वर्जन लेना नहीं पड़ता है, सब मुझे हमें फ्री में मिल जाता है। तो आप भी अपना वीडियो को एडिट करना चाहते हैं शॉर्ट लॉन्ग या किस तरह का वीडियो को, तो काइंड मास्टर, VN, उसके बाद आता है CapCut, उसके बाद आता है YouTube क्रिएट, ये 4 ऐप को इस्तेमाल करें। और आपको किस ऐप पे ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, किस ऐप के बारे में आप जानना चाहते हैं कि एडिटिंग कैसे होता है, तो आप कमेंट नीचे कर दें, मैं आप लोग को अगले दिन एक वीडियो पूरा टोटल प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो लेकर के आ जाने वाला। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें।